ताकती रह गई पुलिस, हो गया मर्डर। भरी अस्पताल में नेता के बेटे की हुई हत्या। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें बाई ओर खड़े तपन परमार हैं, तो दाई ओर बैठे ये है बाबर खान पठान। भरी अस्पताल, भारी भीड़ के बीच और तो और पुलिस की मौजूदगी में बाबर हाथ में चाकू लहराते एक अस्पताल में घुसा था, जहां वो तपन परमार को निशाना बनाया और उस पर लगातार चाकू से वार करने लगा। लोग उसे हटाने की सोचते तो उन्हें भी धौंस दिखाता और उन पर भी वार करने को कहता। कुछ ही समय में तपन जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल तपन अपने पिता और भाजपा के पूर्व कॉरपोरेटर रमेश परमार के साथ वडोदरा की सरकारी सयाजी हॉस्पिटल कुछ घायलों से मिलने गया था, उसी वक्त की ये घटना बताई जा रही है। बता दे कि वडोदरा के करेली बाग इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हुआ था, जिस झगड़े में घायलों को वडोदरा की सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसी अस्पताल में बाबर खान पठान ने तपन परमार पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। कारीबाग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक मेहतावाड़ी करके इलाका है, वहाँ पे देर रात हिंदू और मुस्लिम लड़कों के बीच झगड़ा हुआ और उसमें फिर हाथापाई हुई। इसके चलते दोनों को उनके जो लड़के थे वो हॉस्पिटल में एसएससी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उनके जाने के बाद वहाँ से एमएलसी पुलिस स्टेशन को मिलती है और पुलिस वहाँ पहुँचे, उसके दौरान ही एक बाबर करके आदमी है उसने वहाँ हाजिर तपन को एसएससी हॉस्पिटल में छुरी मार दी, जिसकी वजह से वो तपन की मृत्यु हो गई। और पुलिस वहाँ पहुँची, तुरंत पुलिस ने एफआईआर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फुटेज को चेक करके हमने जो एक्यूज है उनको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वारदात के बाद भाजपा के कार्यकर्ता करेली बाग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। इतना ही नहीं, लोगों ने करेली बाग पुलिस स्टेशन को भी घेर लिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। तपन के फ्रेंड को वहां पे ट्रीटमेंट के लिए लिखे गए थे, इसलिए तपन वहां पे गया था और वो कहीं झगड़े में इन्वॉल्व नहीं था, पर फिर भी उसको बाबर जो है उसने उसको छुरी मारा। उसका पास्ट हिस्ट्री है, उसमें कई बार वो अरेस्ट भी हो चुका है और पुलिस के वॉच में भी है वो हमेशा, और वो हिस्ट्री शीटर भी है, तो उसकी हिस्ट्री को देखते हुए उसके जितने भी केसेस हैं जो भी है वो हम ध्यान रखे, हम उसको कड़क से कड़क कार्रवाई उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। बताते चले कि कातिल बाबर खान पठान एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ पुलिस में कई गुनाह भी दर्ज है, पुलिस ने उसकी कई बार धरपकड़ भी की है। वडोदरा में खौफ जमाने के लिए बाबर खान पठान मारपीट किया करता था, ऐसे ही कुछ मामले उसके खिलाफ सामने आए थे। फिलहाल इस मर्डर केस में पुलिस ने बाबर खान को अरेस्ट किया है, इसके साथ ही उसके कई साथियों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।